हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. इन द प्रीवियस एक्सरसाइज यू विल स्टडी अबाउट द मीन एंड मीडियन. फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप्चुलेट, व्हाट इज अ मीन. मीन क्या होता है बेटा? दैट इज द एवरेज ऑफ द नंबर. मीन कैसे निकालते थे बेटा आप? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, कि कितने नंबर है. और मीडियन क्या होता था? दैट इज अ मिडल टर्म. दैट मीन्स हम क्या करते थे उसके लिए? अरेंज करते थे नंबर ऑफ टर्म्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोड. व्हाट इज अ मोड? मोड क्या होता है बेटा? दैट मीन्स हमारे पास जितने भी नंबर गिवन होंगे, चाहे 5 है, चाहे 7 है, चाहे 8, चाहे 12, चाहे 20, जितने भी नंबर गिवन हैं, जो नंबर विच नंबर अटेन मोस्ट फ्रीक्वेंसी. मोस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स कि हमारे पास मान लो 1 1 2 2 2 3 3 3 3 लाइक दैट नंबर है हमारे पास. ठीक है बच्चा, ये हमें नंबर कितना है 1 to 4 तक. आप चेक इट करना है मोड क्या होगा. मोड, व्हाट इज द मोड ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन. ये हमारी ऑब्जर्वेशन है 1 1 1 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स. और 2 कितनी टाइम है? 3 टाइम्स. और 3 4 टाइम्स. और 4 only 1 टाइम. तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा, दैट मीन्स विच नंबर अटेन मोस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड अ मोड. सो मोड इज, इस ऑब्जर्वेशन से क्या आ जाएगा हमारा? मोड 3. आप मोड को मोड भी लिख सकते हो या आप कैपिटल जेड भी लिख सकते हो. ठीक है, जेड का मीनिंग क्या होता है? दैट इज अ मोड. नोटेशन है इसकी बेटा. इज इट क्लियर? सो डेफिनेशन लिखो, which number attain most frequency. frequency मतलब जो number ज्यादा बार आएगा. which number attain most frequency is called mode. तो हम क्या बोलते हैं? समझ आ गया बेटा? Done. For example, ये वाली आपने example. Now start question number 1. Read the statement. Find the mode of each four distribution. ठीक है? आपने mode निकालना है. तो mode हमारे पास, ये भी ध्यान रखना, mode can't be unique. मोड कभी यूनिक नहीं होता. अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपके पास 2 नंबर्स ऐसे हैं, जैसे मान लो ये ही नंबर है, इसमें 3 भी 3 टाइम्स होता, तो मोड हम क्या लिखते हैं? 2 और 3 दोनों. ठीक है, अगर ईच एंड एवरी नंबर की फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज नो मोड. ठीक है बेटा. सो हो सकता है कि जो गिवन ऑब्जर्वेशन होंगी उसका मोड लाई भी कर सकता है और मोड नहीं भी लाई कर सकता. ठीक है, मोड जरूरी नहीं है यूनिक हो, एक ही पॉइंट हो, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं. इज इट क्लियर? गुड. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोड निकालना है. देयर आर 2 पार्ट्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 2 3 7 9 and 3 देयर आर 5 नंबर्स. तो बताइए बेटा मोड क्या आएगा? देखो 2 is 1 टाइम, 3 is 2 टाइम्स, 7 is only 1 टाइम, 9 is also again 1 time. So mod is 3. Very good. Similarly, second part. First का भी second part है बेटा. ये first question का 11, 9, 10. 11 देखो कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4 times आ रहा है. 9 only 1 times, 10 1 time, 1 1 time, 5 again 1 time, 8 2 times, 12 2 times. सो मोड क्या आएगा बेटा इसमें बताइए? 11 आएगा ना, बिकॉज 11 4 times. ठीक है, सो यू विल डू इट. मोड इज 11. इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड? नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. वेरी इजी, 10 बैट्समैन के मार्क्स स्कोर दिए हुए हैं. उन्होंने 10
जो है हमारे पास रन्स वन डे मैच में 10 बैट्समैन ने कितने कितने रन्स बनाए हैं, तो आपने बताना है व्हाट इज़ अ मॉडल स्कोर। मॉडल स्कोर मीन्स हाईएस्ट स्कोर जो है वो कौन कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले कितने मार्क्स हैं, मीन्स कितने बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा कैटेगरी में आते हैं। दैट मीन्स 25 वाले कितने हैं, 0 वाला तो एक ही है, 18, 50 वाले कितने हैं, 2, 72 वाले ओनली 1, 82 1, दैट मीन्स वो मॉडल क्लास क्या आएगी इसकी बेटा, यू विल, ठीक है, आंसर विल बी आ यस, टेल मी 50, वेरी गुड, ठीक है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ बेटा थर्ड क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 9। हमने बताना है के की वैल्यू क्या है अगर इस गिवन ऑब्जर्वेशन का जो डाटा गिवन है हमें इनका मोड 9 है। सबसे पहले आप बेटा चेक करो कि जो 3 है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम 1 है, 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 6, 1, 2 टाइम्स 7, 1 टाइम 4, 1 टाइम 8, 1 टाइम एंड 9, 1, 2 टाइम्स आ रहा है, बट 9 जो है वो हमारा मोड है। दैट मीन्स 9 जो है वो मैक्सिमम टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स तो आ नहीं सकता बिकॉज 3, 5, 6, 9 टाइम है। दैट मीन्स 9 हमारा जो आएगा वो हमारा 3 टाइम्स आएगा, ठीक है, बिकॉज 9 इज अ मोड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, इट इज 9। यहाँ से आपने ऑब्जर्व, इज इट क्लियर। तो आपने अगर मोड हमारे पास 3, 5, 6 और 9 दिया होता तो हम कह सकते थे कि हमारे पास मोड जो है वो सारे डिफरेंट है, तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आइदर 3 और 5, बट वी हैव गिवन दैट कि 9 इज अ मोड, सो 9 जो है वो मोस्ट सबसे ज़्यादा टाइम आना चाहिए, मोस्ट फ्रीक्वेंसी अटेन होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी विल चेक इट फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशन, वी गेट के इज 9। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दैट इफ 3 इज एडेड टू ईच एलिमेंट, अगर हम ईच एंड एवरी एलिमेंट में 3 ऐड करते तो हमारे पास जो न्यू मोड है वो क्या आएगा, 9 में 3 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इफ वी ऐड 3 इन ईच डाटा देन न्यू मोड जो हमारा ओल्ड मोड है उसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई न्यू मोड इज 12। इज इट क्लियर, गुड, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द डाटा 1, 5, 7, x+1, 9, x-2 and 3, इफ द मीन इज 4, हमें इस ऑब्जर्वेशन का मीन हमें गिवन है। सो बेटा मीन हमारे पास 4 है तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना बेटा। तो मीन इज गिवन 4, सम 1+5+7+x+1+9+x-2+3 अपॉन टोटल काउंट करो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ठीक है बेटा। 4 is equal 1+5, 6, 6+7, 13, 13 और 1, 14, 14 और 9, yes, 14 और 9, 23, 23 और 3, 26, 26 में से 2 माइनस कर देंगे बिकॉज 2 इज माइनस 24, x+x, 2x over 7, now 2
Yes or no? Solve it. 24 plus का उतार के क्या आएगा? Minus का 28 minus 24 is equal to 2x. It becomes 4 a is equal to 2x. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 by 2. That is a now put it here values of x. तो हमारी observations क्या बनी थी बेटा? कौन-कौन सी? 1, 5, 7. X plus 1, that is 2 plus 1, 3, 9 as it is. 2 minus 2, 0. Then 3. ये बनेगी ना बेटा? So now हमने find करना था पहले x. X हमारा आ गया 2. Next क्या है? Hence find the mode. इसका मोड कितना आएगा बताओ? जो हमारी जो वैल्यूज आई हैं ये वाली, इनका मोड बताओ. यस वैल्यू मोड इज 3. अंडरस्टैंड बेटा? गुड. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5. The size of 10 shirts are in given fellow 90, 95, 100, 92 times, 95, 95, 100, 90, 105. Find the model class. That means इसका mode क्या है? देखो ये तो 90 हो गया है, 95. Check it करो 90 कितने बार आया है? 1, 2, 3 and 4 times and 95 1, 2, 3 times. So mod is 9. ठीक है बेटा? Now next read it. If the size of one shirt is misread as 90, कि एक shirt का जो size था वो गलती से 90 पढ़ लिया, but actual में कितना था instead of 95? बट एक्चुअल में कितना था? वो 95 था. कि अगर मैं एक 90 को, किसी भी 90 को 95 से रिप्लेस करूं, ठीक है बेटा? एक शर्ट का जो साइज था वो 95 था, गलती से 90 लिख दिया. लाइक दैट मैंने इसको 90 को 95 लिख दिया. देन न्यू मोड क्या आएगा? एक्चुअल मोड में क्या आएगा? ठीक है, न्यू मोड का मतलब करेक्ट मोड. एक्चुअल मोड क्या आएगा? यू विल से कि 90, अब देखो 3 टाइम्स आ रहा है और 95 4 टाइम्स. तो करेक्ट मोड कितना आएगा बेटा? यस 95. ठीक है जी, अंडरस्टैंड? गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. A class of 25 students reported on the number of books read during the first half of the school year. That means 25 students जो हैं हमारे school में, 25 students की report तैयार की गई. जैसे मान लो आपकी class में 30 students हैं बेटा, for example, ठीक है? 35 में से मैंने 25 students को check out किया कि जो first half होता है बेटा break से पहले, ठीक है? हाफ ब्रेक होती है ना हमारी, लंच ब्रेक, उससे पहले 25 स्टूडेंट्स का रिपोर्ट तैयार किया. तो क्या मिला? कि फॉलोइंग नंबर ऑफ बुक्स, कि वो कितने बच्चे ऐसे हैं सिर्फ जो एक सिंगल बुक ही पढ़ते हैं. क्योंकि हमें पता है बच्चे क्या करते हैं, सम स्टूडेंट्स आर गुड इन ऑल सब्जेक्ट, सम स्टूडेंट्स आर गुड इन 2 and 3 सब्जेक्ट, ठीक है बेटा? सो वही बच्चे ऐसा है कि नंबर ऑफ, कहते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स, एक बुक्स कितने बच्चे पढ़ते हैं? एक. दो बुक्स 3 स्टूडेंट्स, 3 बुक्स 7 स्टूडेंट्स, 4 बुक्स 2 स्टूडेंट्स हमें गिवन है, 5 बुक्स 6 बच्चे, 6 बुक्स 2, 7 बुक्स कोई भी नहीं पढ़ता, 8 बुक्स 4 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. तो बताओ इसका मोड क्या आएगा? मीन्स सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, कितनी बुक्स पढ़ रहे हैं, दैट इज नंबर 3. सो मॉड इज 3.
tree. ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. देर आर 4 क्वेश्चन. आई विल एक्सप्लेन टू यू क्वेश्चन 2 ओनली, 2 पार्ट 1 एंड 3. सेकेंड एंड फोर्थ यू डू योर सेल्फ. ओके बेटा, आपने खुद करनी है मैम की हेल्प लेके. जैसे मैम ने फर्स्ट और थर्ड किया है, उसी की हेल्प से आपने सेकेंड एंड फोर्थ क्वेश्चन किया. फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेकेंड होगा और थर्ड क्वेश्चन की तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर है फोर्थ होगा. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. फॉर ईच ऑफ द सेट ऑफ द डाटा फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड. आपने मीन भी फाइंड आउट करना है, मीडियन भी एंड मोड भी. देयर आर गिवन 9, 7, 11, 3 एंड 5. फर्स्टली मीन फाइंड आउट करो बेटा. मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है बेटा, दैट इज 9 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 5. टोटल नंबर आर 1, 2, 3, 4 एंड 5. 9 और 7, 16, 16 और 11, 27, 27 और 3, 30, 30 plus 5, 35, 35 divided by 5, it becomes 7. So mean is 7. Now median. Median के लिए क्या करते हैं हम? Firstly arrange the numbers into ascending or descending as you wish. Arrange ascending order 3, 5, 7, 9 and 11. मीडियन क्या होता है? दैट इज अ मिडिल टर्म. हमारे पास काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5 है. तो 5, तो फॉर्मूला है 5 क्या है? ओड. सर ने फॉर्मूला लिखवाया, यू नो आपने भी लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है ना फॉर्मूला. और के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाय 2 इन टर्म. दैट मींस 5 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 6 अपॉन 2 बिकम्स थर्ड. थर्ड नंबर में देखो कौन सा नंबर आ रहा है? 7. ठीक है, सो मीडियन इज 7. इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन मोड. मोड क्या होता है? विच नंबर अटेन मोस्ट फ्रीक्वेंसी. अब देखो सारे के सारे नंबर वन टाइम ही आ रहे, होल आर मोड तो नहीं हो सकते. दैट मीन्स मोड भी क्या लिखोगे? यूनिक नहीं है. मोड इज नॉट यूनिक, क्या लिख लो? मोड. अंडरस्टैंड बेटा फर्स्ट पार्ट? सिमिलरली आपने जो इसका सेकंड पार्ट है वो एज इट इज करना है. नाउ मैम विल डिस्कस विद यू क्वेश्चन नंबर 3. नाउ बेटा इन पार्ट थर्ड, देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, पहले आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. 2 4s are 8, 8 or 1, 9 by 2, 5 3s are 10, 10 or 1, 11 by 5, 3 4s are 20, 23 by 4, 2 4s are 8, 8 plus 1, 9 by 4, 7 only, 7 by 1. First of all, you will take a LCM. LCM for beta 4, 2, 4, 1, 2, 2, 4, 4, 1, 2, 1s are 2, 2, 2s are 4, 1 ka 1. Again 2 is either 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2s are 4. LCM कितना आना बेटा? 4. तो सभी का डिनोमिनेटर पहले सेम कर लो 4 बना. तो 9 बाय 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 4 बन जाए? 2 से. 18 बाय 4 आ गया. सिमिलरली 11 बाय 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 2 से. 22 बाय 4, ये तो 4 ही है, नो नीड टू चेंज. 7 बाय 1 को किससे मल्टीप्लाई होगी डिनोमिनेटर 4 बनाने के लिए? 4 से.
18 by 4, 9 by 4, 22 by 4, 23 by 4 and 28 by 4. इसको भी इंटरचेंज कर रहे हैं 9 असेंडिंग ऑर्डर के साथ. ठीक है जी, दीज आर नंबर्स. ओके बेटा, नाउ फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका मीन. मीन कैसे निकालते हैं, सभी का सम अपॉन टोटल नंबर. सम मतलब 9 बाय 4 प्लस 18 बाय 4 प्लस 22 बाय 4 प्लस 23 बाय 4 प्लस 28 बाय 4. टोटल नंबर कितने हैं बेटा, 5 डिवाइड बाय 5. डिनोमिनेटर विल बी अ सेम, देन we will write denominator at a one time and add the numerator to the LCM hoga wo upon mein aa jayega. theek hai, 9 plus 18 plus 22 plus 23 plus 28, add it. जल्दी से प्लस कीजिए बेटा, बताइए मुझे कितना आएगा. 9 और 18, 27, 27 प्लस 22, 49 प्लस 23, 72 प्लस 28, इट बिकम्स 100, 100 बाय 20, 100 बाय 20, 0 से 0 कैंसिल, 5 टू सा 10. So mean is 5. ठीक है बेटा, सिमिलरली मीडियन क्या होगा, मिडिल टर्म दैट इज 22 बाय 4, अगेन मॉड नो मॉड बिकॉज ऑल नंबर्स अटेन वन फ्रीक्वेंसी. अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच.